रात का टाइम हो रहा है, सब सो गए हैं और मेरी प्रोटीन इंटेक बची हुई है, तो मैं बस प्रोटीन लेने आई हूँ। और प्रोटीन पी के फिर मैं मेरा दूध गर्म करूँगी, मुझे दूध भी लेना है। और मतलब बहुत दिक्कत होती है ऐसे घर वाले सो जाए और फिर किचन में आने में, ऐसे मतलब चोरों जैसा फील होता है, ऐसे चुपचाप सब करना पड़ता है ना, ताकि शोर ना आ जाए, क्योंकि गलती से मम्मा उठ गए ना तो मेरी तो क्लास लग जाएगी। तो फिनिश करती हूँ ये। दूध डालने से पहले थोड़ा सा मग में अलार्ट हल्दी, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी डालेंगे, ज़्यादा भी सही नहीं रहती। सर्दियों में रात को हल्दी वाले दूध पीने के बाद क्या नींद आती है, मतलब यू गाइस शुड ट्राई, अगर इफ़ यू डोंट, अगर आप करते हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं करते तो ट्राई करना एक बार, बढ़िया नींद आती है, मतलब मज़ा आ जाता है सोने का। गर्म हो चुका है, डाल देती हूँ मैं इसके अंदर। मरवाएगा ये पक्का से। रूम में चलते हैं जल्दी से। ओके, तो मैं सेफली रूम में आ चुकी हूँ और अब मैं एंजॉय करूँगी मेरा दूध और मैं देखूँगी सीरीज, कोई सोचू विचर देख लूँ, उसका लास्ट एपिसोड ही बचा मेरा, तो आई गेस मोस्ट प्रोबेबली वही देखूँगी, उसको देखती हूँ, ये फिनिश करती हूँ और फिर सो जाऊँगी चुपचाप से। सो यस, सी यू टुमारो, बाय, गुड नाइट। ये मेरा ब्रेकफास्ट रहेगा आज का, और करंटली मैं बहुत ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ ओटमील से। मैं पहले खाती नहीं थी, मैं हमेशा एग्ज ही लेती थी ब्रेकफास्ट में, पर आजकल मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया है ओटमील खाना। इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, चॉकलेट पीनट बटर है प्रोटीन वाला, और ओट्स, थोड़ा दूध और बनाना। मैंने इसके अंदर वे प्रोटीन नहीं डाला है क्योंकि वो मैं अलग से लूँगी जिम जाने से पहले, तो अभी हम सिर्फ ये खाएंगे। अभी मैं चेक करने जा रही हूँ दिन में मेरे सोसाइटी का जिम खुला है क्या, अगर खुला हुआ तो वहाँ पे शूट करेंगे, क्योंकि मेरा आज जिम जाने का मन नहीं है इतना दूर, मतलब ज़्यादा दूर तो नहीं है, बट स्टिल मैं चाहती हूँ खाली अकेले शूट करूँ। सो लेट्स सी। तो अभी जिम जाने से पहले आई टेक थोड़ा सा सॉल्ट, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, यू कैन सी आई एम गोना ऐड इसमें पानी में, एंड थोड़ा सा तो क्या मतलब, 2.5 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन इसी के साथ ही मैं मिक्स कर रही हूँ। हाफ अभी ले रही हूँ अंदाजे से कि हाफ स्कूप हो गया, ठीक है, हाफ स्कूप मैं मेरे वे प्रोटीन में ऐड कर रही हूँ, वो वर्कआउट के बाद पियेंगे। चीयर्स। ज़्यादा सॉल्ट हो जाता है, ठीक है, और वर्कआउट फिनिश करते ही मैं इसको ले लूँगी, ताकि मैं घर पे आके मेरी डायरेक्ट मील ले सकूँ और मुझे हैवी फील ना हो थोड़ा भी। लेट्स गो। जिम खुला है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, आराम से अकेले वर्कआउट करूँगी, अकेले शूट करूँगी। पूरा जिम खाली है, इट फील सो गुड। इधर थोड़े थोड़ा इक्विपमेंट्स की कमी है, लाइक बेसिक इक्विपमेंट्स ही है, बट काम चल जाएगा। आज बैक करनी है मुझे, तो आई गेस आई विल मैनेज। और बाकी लाइटिंग देखते हैं कैसी होगी, मैंने इधर ज़्यादा शूट किया नहीं है कभी, एक दो बार किया था, दैट टू नॉट फॉर यूट्यूब, बट देखते हैं कैसा होता है। सबसे बड़ा टास्क है इधर का।
कर दिया अभी, लाइट आ नहीं रही है, अंदर की साइड शूट करूँगी, कुछ नहीं दिखेगा, थोड़ा बहुत जो शूट किया है उसकी भी क्वालिटी थोड़ी ऐसी सी है, मतलब वर्कआउट तो अच्छा हो रहा है पर वही है कि ढंग से जो शॉट्स मैंने सोचे थे वो नहीं आ पा रहे, और अब मुझे लग रहा है मैं मेरे जो रेगुलर जिम है उधर जाके लेती तो बहुत अच्छा आता, बट एनीवेज कोई नहीं। ओके सो मैं जिम से आ गई थी, मैंने मेरी मील ले ली थी, उसके बाद मेरे को कुछ काम था तो आई गॉट ऑक्यूपाइड देयर, और अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैंने मेरी कॉफ़ी तैयार करी है और मैं ही पीऊँगी। एंड यस, और ऑल्सो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू मैंशन इज़ दैट कि वर्कआउट करते हुए मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी और मैं पूरा वर्कआउट शूट नहीं कर पाई, मतलब फ़ोन की बैटरी डेड हो गई, ठीक है, लाइट चली गई, कितने सारे इशूज। मे बी टुडे वॉज नॉट माई डे टू शूट अ वीडियो जिम में, बट एनी वेज वे आर हियर एंड आई एम एंजॉइंग माई कॉफी राइट नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप यू हैव अ गुड डे, सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।